करने लगा। कुछ दिनों के बाद सरकार भी खेतरी से फरार होकर मुंबई आ गया और वो हमें ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो कोर्ट में जाकर सच सच कह देगा कि करण का बॉम्ब ब्लास्ट से कोई नाता नहीं है। इनके बयान के मुताबिक करण बेकसूर है ये खेतरी में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कुक्कू मेहरा और सुनील वर्मा की साजिश थी। इसका आपके पास सबूत क्या है? सबूत है मेरे पास, क्योंकि मैं उन मीटिंग्स की चश्मदीद गवाह हूं जहां पर ये साजिशें रची गई थी। और जब रॉनी ने वो कसर सुनाया था जिसमें बंसल ने सब कुछ एडमिट किया था, तो मैंने तुमसे मदद भी मांगी थी। झूठ बोल रही है। सच कह रही है ये। नहीं, ये झूठ बोल रही है। माने सच है एडवोकेट पर। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने गवाह का बयान भी सुना और डिफेंस और प्रोसिक्यूशन की जिरह भी सुनी। इस केस के कुछ उलझे हुए पहलू, जैसे एडवोकेट सुनील वर्मा जो केस के प्रोसिक्यूटर लायर हैं, उनकी तरफ कई गवाहों ने उंगली उठाई के वो बम ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे। लेकिन ये होना, मैं कोई फैसला सुनाने नहीं जा रहा था, बल्कि डिफेंस और प्रोसिक्यूशन से गुजारिश कर रहा था कि वो मुझसे मेरे चैम्बर में आकर मिले ताकि कुछ उलझे हुए पहलुओं को सुलझाया जा सके, जिसके बिना केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आप दोनों मुझसे आकर मेरे चैम्बर में। यस योर ऑनर।